हेलो दोस्तों, तुहाड़ी दोस्त मनप्रीत फिर तो रूबरू हो चुकी है तुहाड़े अपने चैनल यश टीवी ते एक नवी कहानी दे नाल। दोस्तों कई बार ऐसा हुंदा है अपनी ना आपां पुरानी चीज़ां नूं ना बिल्कुल ही भुल जाने हाँ। जो सानूं नवी चीज़ां मिल जांदियां ने ना ते आपां पुरानी चीज़ां की वैल्यू करना ना बिल्कुल ही छोड़ दें हाँ, जो कि बहुत ही गलत है। अज की जिहड़ी साडी स्टोरी है इसी तो रिलेटिड है ते आओ जाने हाँ अज की कहानी मैं तुहाड़े लिए कीड़ी लेके आई हाँ। दोस्तों एक बार की गल है, एक बार ना एक दोस्त दूजे दोस्त नूं पुछदा भाई तू अपने पिंड क्यों जाना चाहना वे, शहर दे विच तू रहना है और पिंड तू आए तेनू इन्ना टाइम हो चुकिया वे, तू वापस क्यों जाना चाह रहा वे। ते ओ दोस्त कहंदा वे पता नहीं, बस मेरा दिल कर रहा है कि मैं पिंड जावां अपने घर नू वेखां जो काफ़ी टाइम तो जी बंद सी, ओ सब कुछ छड के ना पिंड ते सब कुछ अपना घर बार छड के शहर आ गया सी ते शहर दे विच ही ओ रहना उन्हें शुरू कर दिता सी। फिर ओदा दोस्त पुछ रहा भी हुण तेनू इन्ना टाइम हो गया तू आए नू, उत्थे ते सब कुछ बंद बंद पिया होना, तू इत्थे वधिया रह रहा वे, इत्थे तू क्यों जा रहा वापस। वो कहंदा बस मैनू नहीं पता, मेरा मन जिहड़ा ना बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं वेखना चाहना वा कि उस घर दे विच ऐसा की है जो मैनू बार बार अपनी ओर लैके जा रहा वे। ते उन्हें फिर उहदे दोस्त ने उहदे कोल पुछा भाई की गल, तू क्यों जाना चाहना वे, कोई तो ऐसी गल होएगी जो तेरे दिमाग दे विच बार बार यह गल आ रही है भी तू अपने पिंड ते वापस जाना वे। ते उहदे दोस्त ने कहा भी मैनू ना कल एक सपना आया। सपना की सी मैनू कुछ नहीं पता, मैनू कुछ याद नहीं, लेकिन मैनू इन्ना पता है थोड़ा बहुता कि मैनू ऐसा दिख रहा है कि मैनू अपने घर वापस जाना चाहिए वे। तो फिर उहदे दोस्त ने कहा चल तू इन्ना कह रहा वे, फिर चल मैं भी तेरे नाल चलना वा, साड़ी दो तीन दिन छुट्टियां हैगियां ने, ना कोई काम है, दो दिनों दे विच आपां जाके वापस भी आ जावांगे। तो फिर किसी जी और दोनों दोस्त ना उस पिंड दे वल चल पए। पिंड काफ़ी दूर सी, जाते उन्होंने बहुत टाइम हो गया, उत्थे पुछते पुछते रात हो गई। जिहड़ा उन्हां दा घर सी ना वो पिंड तो बहुत ही बाहर सी ते उहदे घर दे अगे पिछे ज़्यादा घर नहीं हैगे सी। ऐ देख के वैसे जी रात दा टाइम सी वो बहुत ज़्यादा डर गए, लेकिन फिर भी जी हौली हौली अपने घर ते पुजे। जदों उन्होंने देखिया घर दा ते बहुत ही बुरा हाल हो रखिया सी, क्योंकि जी वह जिहड़ा घर सी 3 सालों तो बंद सी, वह जिहड़ा दोस्त सी जिहड़ा घर सी वह 3 सालों तो वह घर नूं बंद करके शहर अपने परिवार दे नाल रह रहा सी। लेकिन जी परिवार दे नाल उत्थे तां रह रहा सी, लेकिन वो जिन जो उन्हें सोचा सी ना कि मैं जेकर पिंड छड़ के शहर जावांगा ना तो मैं वड्डा कामयाब हो जावांगा, सब कुछ मेरे कोल होएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर उस दोस्त ने कहा भी तेरा जिहड़ा घर है बहुत ही ज़्यादा पुराना लग रहा वे। कहिंदा होएगा भी, इन्ना टाइम तो हो गया मैनू छड़ के गए नू। तो जदों उन्होंने घर की हालत देखी जी, घर तो पूरी तरह तुसी ला लो जाले जूले सारे लगे हुए सी, बहुत वड्डे वड्डे पेड़ पौधे घर के सामने लग चुके सी, वड्डे हो चुके सी, तो घर जिहड़ा बहुत ही ज़्यादा डरावना हो रहा है। वो जिहड़े दोस्त सी दोनों ने बहुत ही कोशिश की तो दरवाजा खोलिया, जो देखिया तो अंदर तो बिल्कुल ही अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा सी। तो फिर उन्होंने दरवाजा की किया जी, ज़्यादा नहीं खोलिया, थोड़ा जहा खोल के वेखिया कि अंदर तो अंधेरा, उन्होंने फिर लॉक ला दिता तो कहा भी हुण रात जिहड़ी है सानू बाहर ही गुजारनी पैनी है, क्योंकि अंदर तो कुछ भी नहीं दिख रहा सी। और उन्होंने कुछ आइडिया भी नहीं सी कि अंदर की होएगा की नहीं, समान कितने हैगा कितने नहीं, कुछ आइडिया नहीं सी। उन्होंने फिर दरवाजा बंद करके जी वो बाहर ही उन्होंने अपने सौन का इंतजाम थोड़ा बहुत कर लिता, तो रात उन्होंने उत्थे ही गुजारी। तो सोचा सवेरे उठ के ना कि अपना ना घर की सफाई करांगे। जदों सवेरे हुई जी और उठे तो उन्होंने जदों दरवाजा खोलिया तो अंदर तो बहुत ही बुरा हाल सी, काफ़ी टाइम तो घर बंद सी। तो जी फिर की सफाई करते करते ना उनका एक ध्यान रोशनी वाल गया। जदों रोशनी वाल गए तो वेख्या उस जगह उन्होंने खोदिया तो नीचे बहुत ही सारा धन हैगा सी, जो कि शायद वो दादा जी ने वो मुसीबत के टाइम लिए रख्या होया सी कि कभी इनू पैसे की लोड़ हुई तो यह लै सकता वे। तो फिर जी उन्हूं वो धन मिल गया तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश होया। फिर जी सफाई सफुई करके वह दोनों जिहड़े दोस्त सी अपने जिहड़ा शहर है उत्थे वापस आ गए। तो जिहड़ी भी उनकी मुसीबतां सी उन्हां दा उन्हें सामना किया, पैसे की जिहड़ी कमी चल रही सी वह कमी उहदी पूरी हो गई। तो वो दोनों ही दोस्त जिहड़े खुशी नाल रहन लग गए, नाल ही अपने परिवार के नाल भी खुशी नाल रहन लग गया। दोस्तों इस कहानी दे नाल की सीख मिलती है, इस कहानी दे नाल सानूं यह सीख मिलती है कि सानूं कदी भी ना अपनी पुरानी चीज़ों नू नहीं भुलना चाहिए। जेकर तुहाड़े को कुछ नवा भी आ गया ना तो तुसी पुरानी चीज़ों की केयर करनी बिल्कुल नहीं छड़नी। जेकर तुहाड़े पिंड दे विच घर हैगा वे ना तो तुसी शहर आ गए हो, ऐ नहीं करना कि तुसी उस घर दे विच जाना ही बंद कर दो। तुसी साल दे विच 5-6 वारी जा सकते हो, महीने दे विच एक गेड़ा जरूर अपने घर लगा के आओ, उत्थे साफ सफाई करके आओ, क्योंकि ओह तुहाड़ा अपना घर है। तुहाड़े जिहड़े पूर्वज हुंदे ने, तुहाड़े जिहड़े वड्डे हुंदे ने, उन्हां दे द्वारा दित्ती हुई तुहानूं दौलत
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਛੋੜੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਛੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਨੀਂਵ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੀਂਵ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਯੈਸ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ